सो आप चाहते हैं कि आपके हो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस जो है हमेशा भरा रहे पैसों से। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ इसी टॉपिक को लेके कि किस तरह से आप जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी अपने बैंक में रोज। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे पैसे से बड़ा प्यार है, राइट, एंड आई लव मनी एंड माई मनी ऑल्सो लव्स मी। एंड मतलब मेरा पैसा ना मेरे से दूर रह ही नहीं सकता। जहाँ मैं किसी को कुछ ट्रांसफर करती हूँ और वहीं तुरंत जो है उसी दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उतना अमाउंट, नहीं तो उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या करना है इसके लिए, देखिए दो तीन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी आपको आपके हाथ पे कोई बिल आता है, राइट, आपको पे करना है, तो क्या होता है कि जब हम पे कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें दुख हो रहा होता है कि हाय मेरे हाथ से, मेरे बैंक से वो पैसा जा रहा है, राइट। तो इस फीलिंग्स को एक तो जो है आपने कन्वर्ट करना है अपनी एक खुशी की फीलिंग के साथ। जब आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा कि यू शुड फील ब्लेस्ड, यू शुड फील हैप्पी कि आपके पास उतना अमाउंट है कि आप उतना अमाउंट दे के वो सर्विसेज आप ले पा रहे हैं जो कि आपको चाहिए, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैंने बहुत बारी देखा है लोगों को कि जब भी लोग बिल पे कर रहे होते हैं, जैसे ही उनके सामने बिल आता है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं शॉपिंग करते हैं, कहते हैं अरे इतना बिल आ गया, नहीं, है ना। तो ये वाला जो है ना कि अरे वाला कि इतना बिल आ गया, इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये सबसे पहले अपनी ये फीलिंग्स को ज़रा चेक करिए और इसको जो है थोड़ा सा चेंज करिए। एंड इट कम्स विद द प्रैक्टिस, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैंने कहा और कल ओवरनाइट इसमें चेंजेस आ जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ आ जाता है धीरे धीरे। बट या करके ज़रूर देखिए, बहुत इसमें जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, आज मैं आपको देना कुबेर यंत्र विद कुबेर बीज मंत्र, ठीक है ना। तो जब आप इसको यूज करेंगे, आई थिंक कि मैं पहले शायद कुबेर मंत्र के बारे में शायद बता चुकी हूँ, है ना, जो बीज मंत्र है, जो उनका जो धम रहता है। आज हम बात करेंगे कुबेर यंत्र के बारे में कि किस तरह से आप कुबेर यंत्र की हेल्प से आप बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं और साथ ही साथ उसको कैसे यूज करना है मल्टीपल वेज में, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि कुबेर महाराज जी जो हैं वो हमारे, कहते हैं ना कि अता धन है उनके पास, मतलब कि वो उस उनको मैं बोलूंगी कि हमारा यूनिवर्सल बैंक है। आप मांग के तो देखिए कितना देते हैं वो, है ना। उनके पास कभी भी धन की कोई, कहते हैं ना, कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं कुबेर महाराज जी के साथ अगेन एक कनेक्शन बनाना, एक बॉन्ड बनाना, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और वो मेहनत क्या है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा आपने क्या करना है। कुबेर यंत्र देखिए हमेशा मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है एवरीवेयर, ऑन अमेजोन आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ से बनाएं। क्या होता हाथ से किसी चीज़ को बनाते हैं ना, और जब हम उसमें अपना खुद इतना एफर्ट डालते हैं ना, तो वो भगवान हमें देख रहा होता है कि हाँ देखो ये मेहनत तो कर रहा है ना कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ से बनाएं ये कुबेर यंत्र, ठीक है। और ये बन रहा है हमारा विद द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल नंबर्स। तो कैसे करना है, आपने लेना है एक येलो कलर का स्टिकी नोट, आप ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, रेड पेन आप ले लीजिए, ठीक है। और साथ में अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आपने कैसे इसको ड्रॉ करना है, कौन सा नंबर पहले लिखा जाएगा, कौन सा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस सीक्वेंस में मैं नंबर बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आप जो है इस नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को आपने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक, जैसे मैंने बना रखा है इस तरह का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर बनाया, इसके अंदर हम बनाएंगे 9 कंपार्टमेंट्स। कैसे बनेंगे, सेंटर में 2 लाइंस और वर्टिकल आपकी 2 लाइंस, हो गए आपके 9 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर हमारा स्टार्ट होगा लिखना सेंटर से, विच इज 24, राइट। ये 24 सबसे पहला नंबर लिखा जाएगा, ये देख लीजिए। उसके नीचे आप आ जाइए 28, ठीक है ना। फिर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, 23, है ना। फिर उसके ऊपर 22, 27, फिर वापस से बीच में आ जाइए टॉप पे 20, यहाँ पे अब लाइन एक खाली बचती है, तो यहीं से लिखना है 20 के बाद 25, 26 एंड 21, राइट।
सो इस तरह से लिखेंगे हम लोग नंबर्स। और इसका पिक्चर भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको हमने करना है क्लेंस, ठीक है। कैसे करेंगे, एक धूप लीजिए, उसका स्मोक हमें चाहिए। और वो धूप, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास इंसेंस स्टिक है और इसका धूप है ना, मैं इस तरह से ऐसे घुमा दूंगी और इंटेंशन ये रखूंगी कि इसमें कोई भी अगर कोई ब्लॉकेज हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा जो है, और इस तरह से आपकी क्लेंसिंग का प्रोसेस हो जाता है। अब आप इसको करेंगे एनर्जाइज। एनर्जाइज कैसे करना है, आपने करना है बीज मंत्र जो कि हमारा धम। मैं चाहती हूँ इसको आप अपने लेफ्ट हैंड में और राइट से आप कवर करेंगे, और यहाँ पे आप अपने बीज मंत्र जो कि धम है उसकी आप करेंगे कम से कम 21 टाइम्स या 51 टाइम्स उसकी चैंटिंग कर लीजिए, धम धम धम। और ये करते हुए कुबेर महाराज जी से हमेशा मतलब वो प्रे करिए कि कुबेर महाराज जी आपके लिए अता वो वेल्थ वो क्रिएट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं हमेशा बोलती हूँ अपने कर्म पे ध्यान देते रहिए। आप अपने क्या वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं, राइट। तो तभी जाके तो वो कुबेर महाराज जी भी आपको सपोर्ट करेंगे ना। आप ये कहें कि मैंने तो यंत्र बना लिया और बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, अब अपने आप अपना ऊपर से ना बारिश होगी धन की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें अपने कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जो है अपना ये यंत्र रेडी करना है। और इसको अब आप क्या करेंगे, इसको आप करवाएंगे लैमिनेट। लैमिनेट करवाने के बाद नाउ यू कैन कीप इट इन योर लॉकर, ठीक है। अपने टेम्पल में रखिए, मंदिर में रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने हस्बैंड के वॉलेट में रखिए। चाहे तो अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो आप छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। और लैमिनेट करवाने के बाद बस आप इसको कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। बट साथ ही साथ प्लीज रिमेम्बर, जब हम रख रहे हैं तो उसके साथ या तो हो सके तो छोटा सा सिल्वर का कॉइन, आजकल बहुत इजीली हर चीज अवेलेबल है, ठीक है ना। सिल्वर का एक छोटा सा कॉइन आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने लॉकर में रख रहे हैं तो वहां पे अगर आप हो सके तो कुबेर यंत्र के साथ में, ठीक है। और हो सके तो जब आप लैमिनेट करवा रहे हैं तो साथ में आप वो कॉइन भी यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद पूरा उसको लैमिनेट करवा के और फिर आप उसको रख दीजिए अपने टेम्पल में, जैसे मैंने बताया जगह जगह पे आप रख सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके लिए नए दरवाजे खुलने स्टार्ट हो गए अपॉर्चुनिटीज के साथ। और नॉट ओनली दैट, मतलब आपका एक बॉन्ड क्रिएट होगा कुबेर महाराज जी के साथ, है ना। और मैं चाहती हूँ कि इस यंत्र के साथ अगर हो सके जो भी आप मंदिर में रखेंगे तो रोज आप उसको एनर्जाइज करिए, यानी कि कुबेर महाराज जी को प्रे करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हमेशा वो से आपका बैंक बैलेंस भरा रहे, आपके पर्स, आपके वॉलेट, आपके लॉकर, राइट। वहां पे हमेशा वो हमेशा कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं वो हिंदी में, क्या वर्ड है, सुख और समृद्धि से भरा रहे, है ना, सुख और समृद्धि से भरा रहे। तो ये बिल्कुल इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। बट जैसे मैंने बोला, अपने काम करते रहिए और साथ ही साथ बड़ी क्लियर इंटेंशन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप इसको बनाइए। एक और टेक्निक बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं आप इस यंत्र के साथ। आप इस यंत्र को बार बार रिपीटेडली आप ड्रॉ कर सकते हैं एक अपनी छोटी सी येलो, जिसमें कि येलो कलर के पेजेस हो प्रेफरेबली, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको बार बार किसी भी अपनी एक बुक में जो है आप ड्रॉ करते रहिए। ड्रॉ करने से भी आप देखेंगे कि आपको वही बेनिफिट्स मिल रहे हैं जैसे कि आपने इसको बना के, एक बारी बना के आपने उसको लैमिनेट करवाया, ठीक है ना। तो बस यही, इसी के ऊपर मुझे आज बात करनी थी कि किस तरह से आप ये कुबेर यंत्र की हेल्प से अपने घर में माँ लक्ष्मी को आप वेलकम कर सकते हैं, है ना। तो या बिकॉज मुझे, मेरा ये मानना है कि जो हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक ये है, यूनिवर्सल बैंक, राइट, कुबेर महाराज जी के पास है, मांग के देखिए, अता है उनके पास, अनलिमिटेड है ना। तो बस बिलीव इन मैजिक, मैजिक हैपेंस, राइट, मेरा ये, बिकॉज आई बिलीव इन मैजिक, है ना। मैं लॉजिकल माइंड को ज्यादा नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ, मैं अपने कर्म पे ध्यान देती हूँ कि मेरे कर्म अच्छे रहें, मेरे अच्छे रहें,
अपने लिए दूसरों के लिए हमेशा, राइट। तो इतना ही मैं कहूंगी और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते यहाँ पे लिख के जाएं, कमेंट सेक्शन में धम लिख दीजिए, कुबेर महाराज जी का जो बीज मंत्र है धम, ठीक है, वो लिख दीजिए, या कुबेर महाराज जी की ब्लेसिंग्स, राइट। तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। देखिए क्या होता है ना, जब मैं आपको बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो जब लिख रहे हैं, आपका फोकस वहां होता है, आपकी एनर्जी वहां होती है, और वो एनर्जी यानी कि वो प्रॉस्पेरिटी की, वो अबंडेंस की एनर्जी वो आपको मिल रही होती है अननोइंगली। तो इसीलिए जो भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, कोई भी टेक्निक बताती हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक वर्ड जरूर बताती हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाइएगा, ताकि वो आप एनर्जी यहाँ से लेकर जाएं, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद ऑल द अबंडेंस, विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ कुबेर महाराज जी। थैंक यू।